आप देख रहे हैं ये सामने ही पूरी दीवार बनाई गई थी, जो कि अब ये दीवार तोड़ दी गई है, कब्जा किया गया था यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं इंक्रोचमेंट के बाइस जो है इस जगह को डिमोनिश कर दिया गया है, जितनी भी दीवारें थी यह पूरा पोर्शन। तंबू वगैरह लगा हुआ है, कैनात वगैरह लगी हुई है, इसके साथ रोड पर दिए हुए खड्डा करके अभी ये नया रोड बनाया गया है, और इसके ऊपर वो फ्रेमिंग के लिए काम को जो है माशाल्लाह से मुकम्मल किया जा रहा है। इस वाले हिस्से पर भी तमाम जो है वो शटरिंग लगाई जा रही है, सरियों का फ्रेम वगैरह तैयार है, यहीं से इंटर होगा। सामने रिहाइश का मौजूद है, जबकि इसी के साथ ही यहाँ साइट की दीवारें भी तैयार की जा रही हैं, और ये सामने मलिर के लिए नदी से एक रास्ता भी निकल रहा है फ्रंट पर, और यहाँ पर ये दीवारें तैयार की जा रही हैं साइट की। यहाँ पर शटरिंग वगैरह भी उतारी गई है, आप देख सकते हैं, और इसी तरीके से कुछ स्पेस देकर मज़ीद आगे की तरफ काम ले जाया गया है। ये देखें यहाँ पर भी शटरिंग वगैरह मौजूद है। ये पूरा मुकम्मल जो है यहाँ से गार्डर लगाकर इस जगह को पैक किया जाएगा, ताकि किसी किस्म के हादसा से बचा जाया सके। यहाँ पर ये जो सामने आप देख रहे हैं जुम्मा कोर्ट की साइड से जो मलिर की साइड जाने वाला जो रास्ता है, सिटी कोर्ट की साइड पर जो मलिर का कोर्ट है, मलिर 15 की साइड पर, यहाँ से आप बआसानी जा सकते हैं। नीचे से अंडरपास दिया गया है, जबकि ऊपर से कोई रास्ता यहाँ पर मौजूद नहीं है जो यहाँ से मलिर की साइड पर आप उतर कर जा सके। सिर्फ़ आप कायदाबाद की साइड से ही उतरेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैनुअल तरीके से यहाँ पर रोका हुआ है। यहाँ पर देखे तंबू वगैरह लगा हुआ है, कैनात वगैरह लगी हुई है, इसके साथ रोड पर दिए हुए खड्डा करके अभी ये नया रोड बनाया गया है, और इसके ऊपर तंबू लगा दिया गया है खड्डा करके, और नीचे संबल लगाए गए हैं, इससे रोड को नुकसान हो रहा है। बहरहाल ये तो कराची का एक आम सी बात है, कराची के अंदर सड़क तामीर और सड़क को खोदा ना जाए ऐसा हो नहीं सकता। ये देखें ये सामने पूरी आबादी है जो कि नदी के ऊपर बनी हुई है, और पिछली बार जो है वो काफ़ी तजवुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किए गए थे, लेकिन इसके साथ देखें ये सामने मैं आपको दिखाता हूँ इस साइड पर। ये देखिए यहाँ पर एक दीवार बनाई गई थी, ये जो आप देख रहे हैं ये सामने पूरी दीवार बनाई गई थी, जो कि अब ये दीवार तोड़ दी गई है, कब्ज़ा किया गया था यहाँ पर। अभी आप देख सकते हैं इंक्रोचमेंट के बाइस जो है इस जगह को डिमोनिश कर दिया गया है, जितनी भी दीवारें थी यह पूरा पोर्शन आप देख सकते हैं। ये वाले हिस्से पर जो है लोग जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर्स हैं लोकल बेस पर। यहाँ पर जो है वो अलग अलग किसान जो है वो फसल उगाते हैं। बहरहाल अभी इस वाली साइड से भी मिट्टी निकालने का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इस स्पेस को चौड़ा किया जाएगा इंटरचेंज से कनेक्ट करने के लिए, और कायदाबाद का जो इंटरचेंज की जो सड़क है वो दूसरी वाली किस साइड से निकलेगी अभी वो प्लानिंग में नज़र नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो भी अपडेट आएगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा।
सामने कायदाबाद इंटरचेंज है। और बड़े पैमाने पर मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। माशाल्लाह फ्रेमिंग वगैरह भी तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा ड्रोन शॉट के ज़रिए, तो बआसानी आप देख पाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ से ये फ्रेमिंग वगैरह का काम जो है माशाल्लाह किया जा रहा है। यहाँ पर लेबर मौजूद है बड़ी तादाद में, और ये पूरा जो है वो फ्रेमिंग के लिए काम को जो है माशाल्लाह से मुकम्मल किया जा रहा है। इस वाले हिस्से पर भी तमाम जो है वो शटरिंग लगाई जा रही है। सरियों का फ्रेम वगैरह तैयार है। यहीं से इंटर होगा कायदाबाद की साइड से होते हुए आगे मेमनगोड जाने के लिए ये वाला एंट्रेंस है, जबकि वो सामने जो है तमाम फ्रेमिंग जो है वो मुकम्मल की जा रही है। तो ड्रोन शॉट पर भी देखें आप, मैं आप लोगों के साथ ये हिस्सा शेयर करता हूँ। Thank you.